सरकार को जागरूक करने के लिए आप सब लोगों को मालूम है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसको हम लोग हैशटैग के रूप में चला रहे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैंपेन किस चीज़ के लिए है, सब कुछ सबको मालूम है। सभी जितने भी एजुकेटर्स हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया के, वैसे तो सभी एजुकेटर्स इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। कोविड-19 दुर्भाग्य बन करके न सिर्फ हमारे देश पर बल्कि पूरे विश्व पर छाया हुआ है, लेकिन क्या इस विपरीत परिस्थिति में, क्या बेरोजगारी का जो स्टैंपिंग लगी हुई है लोगों के ऊपर, क्या वो और ज़्यादा कहीं इस महामारी को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है? मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, आप लोग इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्प्रेड करिए, बढ़ाइए इसको, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। जहां पर जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसको लेकर के, गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट टाइम में जो उनके लड़ने का तरीका है करेंट सिचुएशन से, वो उतना कारगर नहीं है, उस तरीके का नहीं है जिससे कि सेटिस्फेक्शन का लेवल किसी को गेन किया जा सके, गेन हो सके किसी को भी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एसएससी रेलवे के स्टूडेंट्स की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा क्या सच में आप पता करके देखिए, पिछले 2-3 साल से, 4 साल से लगातार गवर्नमेंट जॉब्स के को लेकर के स्टूडेंट्स में किस प्रकार का फेथ चल रहा है, किस प्रकार की बिलीफ चल रही है? क्या सरकार को इन सब बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? क्या सरकार तक इनकी आवाजें बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं? मैं जीएस पढ़ाता हूं, मैं जनरल स्टडी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, बच्चों को पॉलिटी पढ़ाता हूं। मैंने अक्सर बच्चों को कहा है कि जब भी कभी सच बोलने की बारी आए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आपको जब कभी भी सच बोलने की बारी आए, तो आपके चाहे वो पसंदीदा लोग हों, चाहे वो आपके विरोधी लोग हों, उनके लिए आप सच बोलने का इस्तेमाल जो है, सच का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसकी है किसकी नहीं है, इससे एक छात्र को, एक उस व्यक्ति को जिसके घर में एक आशा है, 4-5 लोग एक उस एस्पिरेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, उस कैंडिडेट पर डिपेंड कर रहे हैं जो उस घर की आशा बनने वाला है, और वो व्यक्ति 3-4 साल से यही इंतजार कर रहा है कि अब नहीं, अब वैकेंसी आएगी, अब नहीं, अब वैकेंसी क्लियर होगी, अब नहीं, अब रिजल्ट आएगा, ये सब कब होगा, ये सब कब सामने लाया जाएगा, वो इसी आशा में बिताता जा रहा है अपने दिन। उसके एक एक साल कई सालों की, कई वर्षों की तरह बीत रहे हैं और उसकी उम्र जो है वो घटती चली जा रही है। केवल इतनी सी बात यहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये कितना इजी, मतलब जो चीज है उसको इतना टफ बनाने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि हम सब यहाँ पर टीचर्स जो है मिलकर के कैंपेन कर रहे हैं, पूरे कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में इस कैंपेन को लेकर के जाया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से हम इसको ट्रेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार इसे सुने। क्या सच में सरकार के कान इतने खराब हो गए हैं कि इसको करने के लिए हमें एक विदेशी हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक इस तरीके की मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो हमारे खुद के देश की नहीं है, और अपनी आवाज उठाने के लिए हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है? क्या हमारे देश की खुद की मीडिया इतनी खराब हो गई है कि इतने इतने संदिग्ध मुद्दे को, इतने कह सकते हैं कि बहुत ही सीरियस जो यहाँ पर जो मैटर है लोगों का अपॉइंटमेंट को लेकर के, मैं बहुत सारी चीजें अभी आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में बताऊंगा, उसको लेकर के क्या सरकार बिल्कुल उसको दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, मैंने क्या इवन शायद किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं, शिक्षक वर्ग की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे वो कंपटीशन का पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाने वाले टीचर्स हो, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी टीचर ने कभी सरकार से इस तरीके से आकर के कैंपेनिंग करने की बात करी होगी, या अपनी आवाज को लाने के लिए यहां पर बात रखी जानी पड़ी, शुरू करी गई होगी। अरे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये स्टूडेंट हैं, ये देश के भविष्य हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं। न जाने कितने पुराने प्राचीन आचार्यों का कथन है ये कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, छात्र देश का भविष्य होते हैं, छात्र राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और ये छात्र, इन छात्रों का निर्माण हम करते हैं, हम शिक्षक लोग करते हैं। किसी प्राचीन आचार्य का यह कथन बड़ा स्पष्ट है कि राष्ट्र का निर्माण
शिक्षक के हाथों में खेलता पलता पड़ता है। इतनी छोटी सी बात ये सरकार को कब समझ में आएगी। यहां पर कैंपेन चलाना पड़ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसके लिए उसको लेकर के कभी भी मीडिया मीडिया की बात कर लेता हूं मैं, क्या हमारे देश में जिस आप अपने आप को जितने भी मीडियाज हैं ये अपने आप को राष्ट्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, फोर्थ स्टेट, क्या हमारे राष्ट्र का चौथा स्तंभ को घुन लग गया है, क्या उसको दीमक लग गए हैं, क्या उसे स्वयं खड़े होना नहीं आता है, उसे राष्ट्र के उस खड़े रहने के लिए, उस स्तंभ को बने रहने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है? क्या इतनी संकुचित मानसिकता हो गई है इस राष्ट्र के चौथे स्तंभ की कि उसे ये नहीं समझ में आता है कि उसे क्या चीज ट्रेंड में लाना चाहिए? शिक्षा, जिस देश में नारी और शिक्षा इन दो का सम्मान जिस देश में नहीं है, उस देश का भविष्य बिल्कुल गर्त में है। उस देश को गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और दुर्भाग्यपूर्वक हमारे राष्ट्र में नारी और शिक्षकों का और साथ ही साथ जो छात्रों का है वो अपमान होना शुरू हो चुका है। और ये बिल्कुल जैसे खरीदी और बेचे जाने वाली वस्तुएं हो गई हैं, इनको खरीदना और बेचना शुरू कर दिया गया है। क्या इस तरीके की जागरूकता की जिम्मेदारी अब टीचर को उठानी पड़ेगी? अरे शिक्षक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिलेक्शन देना, राष्ट्र के निर्माण में योगदान कराना, ये जिम्मेदारी भी अब शिक्षक उठाएंगे? इस सरकार को जगाएं, ये जिम्मेदारी भी शिक्षक उठाएगा? क्या पूरा हमारा ये जो सरकारी पैटर्न है ये रुग्ण हो गया है? कैसे रोग लग गए हैं कि इसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी? टीचर्स जो है यहां पर आकर के कैंपेन करेंगे, मेडिसिन देंगे, फिर ये जागेंगे। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की है, मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, आपने नीति आयोग बनाया, उसमें आपने थिंक टैंक्स रखे, वो कहां चले गए थिंक टैंक्स? क्या वे थिंक टैंक्स केवल इतना सोचने के लिए ही हैं कि कैसे चुनाव जीते जाएं? क्या वे थिंक टैंकर्स जो है केवल इतना ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं कि उन्हें कैसे चुनावी कैंपेन बढ़ाना है? क्या आपके थिंक टैंकर्स जो हैं वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा का क्या स्तर हो गया? आप नई शिक्षा नीति लेकर के आते हैं, नई शिक्षा नीति के बहुत सारे कॉलम्स लेकर के आ गए हैं, आपने उसको केवल एक या किसी भी मीडिया और गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन नोटिफिकेशन आ जाता है नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, उसको न्यूज में एक आध घंटे के लिए दिखा दिया जाता है, सारे चैनल्स की बात कर रहा हूं, एक आध घंटे के लिए दिखा दिया जाता है, उसके बाद वो गायब मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा, नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, मैंने मेरे पिताजी ने और संभवतः उनके पिताजी ने भी अगर नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वही डेफिनेशन जो हमारे दादाजी ने पढ़ी होगी वही हमारे पिताजी ने भी पढ़ी है, वही मैंने भी पढ़ी है, कई स्कूल्स में अभी भी वही पढ़ रहे हैं। एक इतने वर्षों में एक संज्ञा की परिभाषा तक नहीं बदल पाए हैं हम शिक्षा नीति के द्वारा। ये हमारी इतनी शिक्षा नीति खराब हो चुकी है, हम उसमें समय दर समय बदलाव नहीं कर पाए। बदलाव किया भी तो इतना बड़ा बदलाव लाने के बाद हमने उसको क्या किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीटी लेकर के सरकार आ जाता है, सीटी लेकर के सरकार आई है और बोल रही है कि अब एग्जाम सीटी पे सीटी कराएगा। अरे सीटी कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, कितना कराएगा, कैसे एग्जाम के पैटर्न होंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं, बस सीटी कराएगा बस। किसी मीडिया के व्यक्ति ने ऐसे क्वेश्चंस उठाए भी नहीं। क्या स्टूडेंट का यहां पर यही मान सम्मान है? क्या शिक्षा का यही मान सम्मान है? कितनी विडंबना है इस देश में, आजकल लोग हंसी मजाक करते हुए चुटकुले बनाने लगे हैं। अरे पढ़ लिख के क्या करोगे, आगे तो नेता बन जाओगे ना। अरे शर्म करिए आप लोग कि लीडर्स के लिए लोग इस तरीके के चुटकुले बनाने लगे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो लीडर कैसे बनोगे। क्या आप देश का भविष्य इस तरीके का देखना चाहते हैं कि यहां के नेताओं को इस तरीके के हास्यास्पद बातों से नवाजा जाए? लॉकडाउन हुआ था और उस दौरान न्यूज़पेपर में खबर आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि लॉकडाउन हुआ था और उस समय मेरे पास में आप तो सरकारी तंत्र है, आपको सब मालूम है, मैं जो बोल रहा हूं सारी चीजों की आप अपने आप ही जांच कर सकते हैं। लॉकडाउन से पहले ही या लॉकडाउन के समय में ही वैकेंसी लाने की बात करी गई थी, किस चीज की, उत्तर प्रदेश यूपी SSSC के माध्यम से लेखपाल की वैकेंसी आएगी और ये वादा किया गया था कि लॉकडाउन खत्म होते ही लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी।
अब लीगली तो देखा जाए तो लॉकडाउन अभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका अनलॉक सेशन 4 चल रहा है भाई। अनलॉक में लॉक क्या है? केवल पढ़ाई। लॉक क्या है अनलॉक में? केवल पढ़ाई। और जब ये अनलॉक होगी शायद तब आप वादा करेंगे कि हम लेखपाल का एग्जाम निकालेंगे। कुछ दिन पहले रिपोर्ट मांग लेता है आयोग कि लेखपाल में कितनी वैकेंसीज खाली हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग में। कहां चले जाते हैं सब इस चीज की गणना करने के बाद। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है, 2017 इस समय सुशांत केस चल रहा है, अच्छी बात है, किसी भी व्यक्ति की जान गई है, किसी भी फेमस हस्ती की आत्महत्या हुई है या फिर उसकी जान गई है, इसकी जांच सीबीआई कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन सीबीआई कर रहा है ना जांच, तमाम सारे मतलब मैं मीडिया के लोगों को देखता हूं, वे खुद सीबीआई बने टहल रहे हैं, वे खुद चैट बॉक्स निकाल रहे हैं, वे खुद जो है जाकर के सीबीआई को सीबीआई का काम करने दो भाई। क्या इस देश में यही होगा? आपका काम हम करेंगे, हमारा काम कोई और करेगा, उसका काम कोई और करेगा, यही हो रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये काम आपका था, चौथे स्तंभ महोदय, ये आपका काम है। देश की मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका काम था कि इसको आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन हमें उठाना पड़ रहा है, ये शर्मनाक बात है। प्रोटेस्ट करने का तरीका देखिए टीचर्स का, कितना शांतिपूर्वक और कितना सौहार्दपूर्वक है। गर्व करिए कि आपके इस राष्ट्र में इस प्रकार के शिक्षक और विद्यार्थी रहते हैं, अन्यथा किसी और राष्ट्र के होते तो अब तक आपका ये लॉकडाउन भी खत्म करा लिया होता और आपसे ये जॉब भी ले लिया होता। लेकिन सभ्य हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि शिक्षक हैं, क्योंकि छात्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूं, कभी भी किसी भी सरकार के सरकारी तंत्र का विरोध किया जाएगा, सरकार का विरोध नहीं किया जाएगा। देश जब गुलामी में था तो उस समय भी लोग आपकी कांग्रेस की बात कर लेता हूं, कांग्रेस में भी इस तरीके को लेकर के इस तरीके के भेद हुआ करते थे कि हमें अंग्रेजों से उतनी नफरत नहीं है जितनी अंग्रेजी तंत्र से है, इसलिए इंग्लिश पैटर्न हटाना पड़ेगा। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम उस तंत्र को अभी लेकर के बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, मीडिया बंधुओं से, अपने नेताओं से, अपने राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्तियों से, अपने देश की सरकार से, अपने राज्य के महामहिम से, अपने राष्ट्र के महामहिम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब जगह राजनीतिकरण करिए, लेकिन हमारे छात्रों को बख्श दीजिए। स्टूडेंट की जिंदगी से मत खेलिए, ऐसे शर्मनाक दिन क्या होंगे इस देश में कि अब बच्चा जो है बोलने लगा है सर क्या करें, सुसाइड कर लें क्या? आपकी उम्र के हिसाब से मैं महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कोट करते हुए बोलना चाहता हूं, आप इस समय जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अदर दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले बच्चे आपके पोते के समान होंगे, आपके ग्रैंड सन्स की तरह होंगे। महामहिम जी, अगर आपके सामने आपका ग्रैंड सन ये कहता है कि क्या करें सर, हमारी इतनी हालत खराब है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, जॉब नहीं निकल रहा है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, माता पिता हमारे ऊपर आशा देख रहे हैं, मन करता है कि आत्महत्या कर लें, आपको क्या आपका सर गर्व से ऊंचा रहेगा? क्या उस वक्त आपका सर गर्व से ऊंचा रहेगा? लगभग इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, राजकीय सरकार जो है, श्री योगी जी से कहना चाहूंगा, आप लोगों के बच्चों, आप लोगों के जो ये ग्रैंड सन्स की तरह जो है ये सारे स्टूडेंट्स हैं, सन की तरह भी नहीं है, बच्चों की तरह भी नहीं है, मतलब ग्रैंड सन्स की तरह है, सोच के देखिए। वे बच्चे इतने निराशायुक्त हो गए, क्या यही मजबूत राष्ट्र की कल्पना करी है आप लोगों ने, कि इस प्रकार के मजबूत राष्ट्र की कल्पना हमारे राष्ट्र सरकार ने करी है? और क्या इसी कल्पना के लिए ही जोरदार तरीके से दोबारा आपका स्वागत किया गया इस राष्ट्र में? हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण यहां पर हो रहा हो, छात्रों से खिलवाड़ ना करें, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। राष्ट्र ऑलरेडी जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस तरीके से उनको परेशान ना करें। कितने एग्जाम्स को मैं गिना दूं, एसएससी को गिना दूं, एसएससी 2017, सीबीआई केस की बात कर रहे हैं, सुशांत सिंह का केस सीबीआई में चल रहा है और कितनी तेजी से चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चीजें आती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी निकट पहुंच जाएगा इसका राज जो है वो, कि क्या उसकी हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी, उसका सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। 2017 से सीबीआई का मामला चल रहा है एसएससी का, 2017 से 17, 18, 19, 20, ऑलमोस्ट 20 गया,
इस मामले में सीबीआई क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा इसका रिजल्ट? 2019 फरवरी से मार्च के बीच में आप आरआरबी एनटीपीसी का इतना फॉर्म फिल कराते हैं बच्चों का, चुनावी कैंपेन मत बनाइए इसको। रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आप सरकार से, कृपया बच्चों को जीने दें, इन्हें खुली हवा में राष्ट्र का निर्माण करने दें, आपसे उम्मीद है इन्हें, इसलिए आपसे शांतिपूर्वक तरीके से इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि कृपया समयानुरूप एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनाइए। हर चीज का पैटर्न बन सकता है तो वैकेंसी आने और उसके फिल होने और नियुक्ति होने का पैटर्न क्यों नहीं बन सकता? एफसीआई ने एग्जाम करवाया, एग्जाम कंडक्ट कराया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मैनेजरियल पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए, इसके अलावा तमाम पोस्ट के लिए उन्होंने एफसीआई ने एग्जाम कंडक्ट कराए। आज उसका रिटर्न भी हो गया, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, जो कुछ भी पैटर्न्स थे वो भी हो गया। कई जगहों पर अभी भी डीवी लटका हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहे हैं, कई जगहों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, अभी तक कोरोना के नाम पे उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। आप सरकार को मैं बताना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि गरीबों को आप दान करने के लिए, गरीबों को आप देने के लिए, जो खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए आपने एफसीआई को बोल रखा है कि आप अधिक से अधिक जो है खाद्य सामग्री का भंडारण जो है करें और लोगों को बांटें। दो पहलू हैं इसके गवर्नमेंट जी, सरकार जी, इसके दो पहलू हैं। एक तो आप एफसीआई के लोगों को जॉब नहीं दे रहे हैं, जो ऑलरेडी पास हैं, आपका मैन पावर घर में बैठा हुआ है, वो जॉब करने के लिए तैयार है, आप उसे जॉब नहीं दे रहे हैं, और रिक्रूटमेंट कम है लोगों की, मैन पावर जो प्रेजेंट टाइम में एफसीआई के वो कम है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं लॉकडाउन में, आप उसे मेरे मित्र हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं, आप सोच करके देखिए, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं, रात में 8-8, 9-9 बजे तक आते हैं, धूप में खड़े होकर के एक-एक स्टॉक काउंट कराते हैं, धूप में खड़े होकर के, लॉकडाउन में बाहर खा पी नहीं पाते हैं, वो टेंशन में जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो छात्र हैं वो नियुक्ति पाने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे, इस पर थोड़ी सी तो विचार रखिए, इस पर थोड़ा सा तो सोचिए। रेलवे के स्टूडेंट से आपने 500-500 रुपए लेकर के फॉर्म भरा लिए, डेढ़ दो साल होने को आ रहा है, 2 साल के करीब होने को आ रहा है, अभी तक टेंडर नहीं मिला है। आश्चर्यजनक हास्यास्पद विषय है कि इतने बड़े राष्ट्र में, जहां हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां हम इतनी बड़े इतनी जनसंख्या वाले लोग हैं, इतने बड़े एरिया वाले लोग हैं, वहां पे लोगों को, वहां पे एक ऐसा आयोग है, रेलवे का एक ऐसा आयोग है जिसको एग्जाम कराने वाली संस्था नहीं मिल रही है, क्या लापरवाही है। और अगर संस्था नहीं मिल रही तो जनाब 500-500 रुपए उनके वापस कर दीजिए। इस लॉकडाउन में तो वो 500 रुपए भी 5 लाख के बराबर है छात्रों के, आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें वापस कर दीजिए। आपने तो उसका ब्याज बहुत खाया होगा 1.5 साल में, वो मत दीजिए, आप 500 रुपए वापस कर दीजिए उनका, और कह दीजिए कि नौकरी नहीं देंगे, लेकिन खुल के कुछ करिए। तो कब आप उत्तर प्रदेश सरकार से, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कब वैकेंसी निकालेंगे, केंद्रीय सरकार से मैं कहना चाहता हूं, कब वो समय पर नियुक्तियां भर्तियां करना शुरू रखेंगे, जारी करेंगे। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, ये जो स्टूडेंट है, यहां पर सभी छात्रों को सरदार भगत ने कहा था कि जब सरकार सुनना बंद कर दे तो धमाके की आवश्यकता होती है। यहां धमाके का अर्थ निकालना आवश्यक है, यहां धमाके का अर्थ दिल्ली धमाका नहीं है, हैदराबाद धमाका नहीं है, यहां धमाके का अर्थ है ऐसे जैसे हम ये कैंपेन कर रहे हैं। आप इसमें, आप इसको ट्रेंड करिए, आप स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ये लिख करके ट्रेंड करिए ट्विटर पर। मैं आपको ट्विटर पर जुड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस ट्रेंड को करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। उसके बाद अपना ट्विटर अकाउंट आप बंद कर दीजिएगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, दिन भर ये नहीं करना है, लेकिन दिन में एक बार आप जरूर कर सकते हैं, इतना भी अगर आपने सहयोग कर लिया तो 2 करोड़ छात्र हैं आप, अपनी शक्ति को पहचाने। सरकार से हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से अपनी मांग पूरी करा रहे हैं, अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब चाहे सरकार हमें राष्ट्रद्रोही माने, राजद्रोही माने, धर्मद्रोही माने, कुछ भी माने, लेकिन एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो अपने छात्र के हित का ध्यान रखे। हम बहुत बड़े शिक्षक नहीं है, हम बहुत बड़े पहचान वाले शिक्षक नहीं है, लेकिन हमारे साथ जितने स्टूडेंट जुड़े हैं वे ही जो हमें जानते हैं,
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहानी कहावत में ही मत रखिए, इसको कर दिखाइए, इसको कर दिखाइए और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए सरकार को कि हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब सरकार के विरोध में कुछ बोला जाए तो इसे राजद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन राजद्रोह राष्ट्रद्रोह नहीं होता है। राजा गलत हो तो उसका द्रोह, राजा गलत व्यवहार कर रहा हो तो उसका विद्रोह या विरोध सर्वथा और हर मामले में उचित है, सभी प्रकार के धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी छात्रों से, यह अब बारी है अपने आपको अपने लिए आवाज बुलंद करने की, इसके लिए आवाज बुलंद करिए, ट्रेंड करिए स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। आप ये एक ट्रेंड है इसलिए एसएससी रेलवे स्टूडेंट लिखा है, बट इट इज ऑल्सो फॉर दोज एस्पिरेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द अदर एग्जाम्स टू लाइक यूपी एग्जाम्स एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, सब चीज के लिए ये आप करिए। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी हमारे लिए एक सुदृढ़ विकल्प लेकर के आएगी, वरना सरकार के लिए हमें विकल्प लेकर के आना निश्चित रूप से पड़ेगा। धन्यवाद कहने का समय नहीं है, क्योंकि धन्यवाद कहने से कोई काम नहीं चलेगा। आज बात यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे, फिर बोलेंगे फिर आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हम छोटे लोग हैं लेकिन हम भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग टैक्स पे करते हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, कहां गए वो पैसे? अगर हमने सरकार को अच्छी परिस्थितियों में हमेशा टैक्स पे किया है तो आज हमारी विपरीत परिस्थितियों में सरकार हमें कब करेगी सहायता? अरे कुछ ना करो तुम लोगों को नियुक्तियां तो दे दो भाई, सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप उन पर एहसान नहीं करिए, आप उन्हें नियुक्ति दे दीजिए जो उनका अधिकार है, अधिकार है जो उनका संवैधानिक अधिकार है ना, आप उन्हें इनका अधिकार दे दीजिए केवल बस। वरना ध्यान रखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में सरकार को बनाने और सरकार को भ्रष्ट हो जाने पर उसके पद से अपदस्थ करने के समस्त विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये देश की आम जनता करेगी, शिक्षक हो छात्र हो उनके पेरेंट्स हो उनके परिवार के जो भी सदस्य हो वो सब इसमें शामिल हो। ये केवल ट्विटर केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं करना है, उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, जो अपने आप अपने बेटों से अपने बच्चों पे अपनी बेटियों पे विचार करते हैं कि कब इसका सिलेक्शन होगा, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि वैकेंसी के ये जो द्वार है ये कब खुलेंगे। ये आप अगले दिन आपके साथ भी हो सकता है, आपका बेटा बेटी एग्जाम देने जाएगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब का समझ में आएगा आपको, इसको समझिए, इसको सरकार तक आवाज पहुंचाइए। बस इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को जगाना है और सरकार जगे और अपना कार्य करे। जब जब सरकार सोएगी, जब जब राष्ट्र सोने का प्रयास करेगा, उसे हम छात्र शिक्षक मिल करके इसे जगाने का काम करेंगे और हमेशा राष्ट्र का निर्माण करते रहेंगे। धन्यवाद।